आंवले को हमने शॉर्ट में जानने का प्रयास किया कि इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स जो होते हैं आंवले की वजह से, उसका समाधान क्या हो, कैसे हो, ये हमने जानने का भी प्रयास किया। और भी इस पे हम देखें कि खट्टा रस जो है तो आंवला जो है गृहस्थ लोगों के लिए तो बनानी है, ब्रह्मचारी जो पालन करते हैं उनके लिए ठीक है, लोग जो गृहस्थ में रहते हैं ज्यादा और गृहस्थी के नियमों का पालन करते हैं, प्रतिक्रिया जैसी क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, तो उनके लिए ये आंवला ठीक प्रयोग नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना वीर्य नाश करते हैं, तो उसके साथ में आंवले का प्रयोग जब भी लेंगे तो ये नपुंसकता लाएगा ही। तो जो लोग इस क्रियाकलाप से दूर रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, उनके लिए तो अच्छा है, उनको कोई साइड इफेक्ट कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये संलिप्तता यदि इस प्रकार की देखी जाती है तो उसमें आंवला आप नपुंसकता ला सकता है, दिक्कत कर सकता है, बाकी लोगों को कोई तकलीफ इससे होने वाली नहीं है। तो जिंदगी भर जवान रहने का एक जो रसायन जिसको बोलते हैं आंवला की चर्चा हमने देखी, उसको हमने समझने का प्रयास किया कि आंवला ही क्यों दिक्कत कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ ऐसी कोई चूक हो जा रही है जिसके कारण ये दिक्कतें हमको देखने पड़ रही हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, खट्टे रस की जो चर्चा करते हैं वहां आंवले का जो है प्रयोग बताया जाता है, तो खट्टे रस में इसका कैसे और कहाँ प्रयोग हो सकता है। तो खट्टे रस जो है पृथ्वी और अग्नि तत्व के मेल से बनने वाला टेस्ट है खट्टा रस, या श्योर जिसको बोलते हैं SOUR श्योर। ये आयुर्वेद में पचने में हल्का कहा गया है और मीठा रस थोड़ा भारी कहा गया है। तो ऋतुचर्या की बात करें तो खट्टा रस जो है पाचन में अच्छा मिलता है, तो वर्षा ऋतु में ये हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, आप बढ़ाओ ना बढ़ाओ, कुछ खाओ ना खाओ, लेकिन बढ़ जाता है खट्टा रस हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली वातावरण के दृष्टिकोण से बढ़ जाता है। तो हम वातावरण में जब बदलाव देखेंगे तो ये खट्टा रस होते हैं, हेमंत ऋतु में मीठा रस जो है ज्यादा बढ़ जाता है। और खट्टा रस किस में बढ़ जाता है आप नोट कर सकते हैं, हेमंत ऋतु में क्या बढ़ेगा, मीठा रस बढ़ जाएगा शरीर में अपने आप ही, आप कुछ खाएंगे ना खाएंगे, और जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है, शुगर से जो ग्रसित रहते हैं, उनको हेमंत ऋतु में ज्यादा डायबिटीज बढ़ता भी है, समस्या होती है, तो शरीर में मीठा रस बढ़ जाता है, कुछ भी खाते हैं तब भी मीठा रस खुद शरीर अपने से क्रिएट करने लग जाता है, ये ऋतुओं की देन है। और वर्षा ऋतु में खट्टे का रस बढ़ जाता है, तो खट्टा रस कोई भी हो वो क्या करता है, कफ और पित्त को बढ़ाता है। खट्टा रस क्या करता है, कफ और पित्त को बढ़ाने वाला आयुर्वेद में माना गया है। यदि ज्यादा मात्रा में लेंगे तो कफ और पित्त को बढ़ा देगा। अब ये वात को कम करने वाला बताया गया, लेकिन यहाँ आंवला जो खाते हैं तो बड़ा उल्टा देखने को मिलता है, आप कहोगे कि ये तो जो हमारा नियम है उसके विरुद्ध हो गया, पर आंवले में ड्राइनेस का गुण होने के कारण ये
दिक्कत कर रहा है, अदरवाइज नहीं, कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन उसके साथ मिलेंगे, तो ये एक अच्छा रसायन का प्रयोग करेगा, शरीर के लिए बहुत उपयुक्त चीज हो सकता है। यानी इसका पेस्ट घी के साथ प्रयोग करेंगे तो एक लाभकारी, गाय के घी के साथ में पेस्ट बना के इसका यूज करने से लाभकारी हो सकता है। इसलिए कई बार डॉक्टर्स बोल देते हैं कि दूध के साथ में आंवले का प्रयोग करिए, दूध में भी चिकनापन रहती है तो, और दूध कफ बढ़ाता है, तो ये इसको बैलेंस कर सकता है। और क्या कहा गया है, दीपन और पाचन जो है इसको माना गया है, दीपन और पाचन करता है दोनों, यानी अग्नि को बढ़ाता है शरीर में, भूख लगाता है और पाचन क्रिया को भी सॉलिड बनाता है। दूसरा शब्द आया है रुचिकर है खट्टा रस, खाने में आप नींबू वींबू डाल लेते हैं, खट्टा कुछ भी डाल लेते हैं, आपको खाने की रुचि बढ़ जाती है, भोजन की रुचि को बढ़ा देता है। अब खट्टी चीजों का जो असर है, आंवले का छोड़ दें, आंवला तो ठंडा है तासीर में, लेकिन जो खट्टे रस हैं अक्सर का नेचर में गर्म तासीर के माने जाते हैं। इसलिए खट्टा रस का जो है रक्त धातु से ज्यादा रिलेशन है, तो रक्त धातु को ये वृद्धि करता है, इसलिए महिलाएं अक्सर कर खट्टा ज्यादा पसंद करती हैं। खास तौर से मासिक धर्म का जो समय होता है उस समय बहुत अच्छा लगता है उनको खट्टा। तो ब्लड जो मासिक धर्म में बहता है तो शरीर में ये रिकवर करने में अच्छा लाभकारी हो सकता है, उस समय आंवले का प्रयोग वो करने से उनको लाभकारी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो विटामिन सी जो है आपको खट्टे रस में मिल जाता है, तो इसके गुणों को बताया गया है। अब इसमें अर्थ एलिमेंट पाया जाता है, इसका मतलब शरीर को बढ़ाने में ये सहयोगी है, और जो पतले हैं उनको थोड़ा सा तर्पण भी देता है, तो नरिशमेंट भी देता है। तो जहां शरीर को बढ़ाना हो, ताकत देना हो, तो वो ये लाभकारी हो सकता है। ये वायु को कम करता, अनुलोमन करता है, अक्सर कर ये देखा जाता है। आंवले को छोड़ देता हूं, तो ये पित्त को बढ़ाता है, पसीना बढ़ाता है शरीर में, तो अनुलोमन करता है। ये मांस और मेद धातु दोनों पर ज्यादा इसका असर है। खट्टा रस जो है मांस और मेद दोनों को बढ़ा देता है, तो जिनको मोटापा है, जिनको ऐसा कुछ समस्या है, ज्यादा खाएंगे तो वो महिलाओं को देखते हैं कि हाथ अंडर आर्म से लेके कोहनी के नीचे तक का मांस लटका सा नजर आता है, या स्तोंद कईयों की, मोटे लोगों की लटकी सी रहती है। ज्यादा खाने का परिणाम ये है, कम लेंगे तो उसमें कसावट पैदा कर सकता है, फायदा करेगा, लेकिन ज्यादा खाने से इस प्रकार की लटकन शरीर में ला सकता है, मांसपेशियों में लटकन जैसी परेशानी ला सकता है। तो पतले लोगों के लिए अच्छा है, मोटे लोग यदि इसको ज्यादा प्रयोग कर लेंगे तो मांसपेशियों में लटकन, यानी हड्डी और मांस को जो जोड़ने का क्रम करता है, वो श्रम करता है, वो टेंडन करता है, उस टेंडन के अंदर गैप पैदा कर सकता है, तो ज्यादा इसका प्रयोग जरूरत से ज्यादा नहीं करता है, नहीं लेना चाहिए। तो ये क्या है, इंद्रियों को भी नरिशमेंट देता है, और ओज धातुओं में भी, ओज धातुओं में भी बढ़ाने का काम करेगा।
तो जहाँ अर्थ एलिमेंट जहाँ पाया जाता है वहां पर सब कुछ नरिशमेंट से संबंध रखता है, यानी नरिशमेंट देने का काम करता है। अब इसके विपरीत प्रभाव यदि ज्यादा खा लिया जाए तो खट्टा देखने के ज्यादा जब शरीर में बढ़ जाएगा खट्टा रस, तो क्या होगा, पांडुरो, स्किन से रिलेटेड परेशानियां। इसलिए बारिश के मौसम में ये खट्टा रस शरीर में बढ़ जाता है, और यदि हम लेते हैं तो फिर क्या करता है, ये शरीर में स्किन से भी बीमारियां पैदा करता बारिश के मौसम में, फंगस फंगल पता नहीं क्या क्या जो लग जाता है लोगों को वो सब करता है। ये शरीर में सफेदी सा होने लग जाना, पांडु रोग जिसको बोलते हैं, सफेद सा लग जाना, शरीर ढीला हो जाना, शरीर के मसल्स यदि ढीले पड़ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि खट्टा रस शरीर में बढ़ चुका है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं के बराबर करना चाहिए, तो ये फर्क आपको देखने को मिलेगा। इसके उदाहरण के तौर पर हम वो महिलाओं की लटकन देख सकते हैं, मांस की वृद्धि देख सकते हैं, और साथ ही पुरुषों में तोंद का लटकना, महिलाओं में भी ये कमर का भाग का लटकना, ब्रेस्ट का लटकना, ये जो है मांसपेशी कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी हो वहाँ लटकन देखने को मिल सकती है। ये मैंने आपको बताया चेहरे के ऊपर भी आप देखेंगे, जो मोटे लोग हैं उनको चेहरे का हल्का सा लटकाव देखने को मिले। अब इसे शिथिलता कहा जा सकता है, और शिथिलता जो है खट्टा रस अधिक खाने के कारण होता है। बहुत ज्यादा शरीर में ब्लड होना, ब्लड का होना भी पाया जाता है, किसी को पाइल्स की तकलीफ है उसमें ब्लड ज्यादा जा रहा है तो खट्टा रस बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। खुजली की कोई समस्या चल रही तो ऐसे आदमी को खट्टा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह की बीमारियां जो है ज्यादा खट्टा खाया जाए ये नुकसान भी करता है। तो हमें हर चीज को नफा और नुकसान दोनों देख करके ही इन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखने में आता है कि चर्म रोग किसी को हो गया होता था, डॉक्टर लोग अक्सर को मना कर देते हैं, विसर्प है, हर्पीस है, इस टाइप की बीमारियों में डॉक्टर मना करते हैं, और बहुत ज्यादा खट्टा खाने से आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, और पतले जो हैं ज्यादा खाएंगे तो उनकी दांतों का क्षय होना स्वाभाविक है। अक्सर कर पतले लोगों के शरीर में सूजन जो है ये खट्टा रस या चक्कर आना है, इस टाइप की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब देखते हैं आयुर्वेद में कौन सी चीजों को खट्टा माना गया है और कुछ को खट्टा नहीं माना गया, इस पर हम चर्चा करते हैं। जो खट्टी होते हुए भी खट्टी नहीं है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दही, इमली, कच्चा आम, ये सब खट्टे रस माने गए हैं आयुर्वेद में, तो इनको जब बारिश आ जाती है तो ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। चांदी भी खट्टा रस ही खट्टा रस की श्रेणी में आता है, तो चांदी को, चांदी का जो वर्क मिठाइयों के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो मीठे के साथ में जब खट्टा यूज करते हैं तो वो बैलेंस कर देता है, लेकिन अकेले यदि चांदी का वर्क का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता है। मिठाई के ऊपर चढ़ा के अच्छा फायदा करेगा, उसको पचाने का भी काम करता है, उसमें दीपन पाचन का रोल अदा करता है। तो मीठा जो पच नहीं पाता जिन लोगों को, वो चांदी के वर्क में लपेट के उसका प्रयोग करेंगे तो लाभकारी। तो और खट्टे रस क्या हो सकते हैं, आंवला, अनार, बिजूरा, नींबू, ऐसी कई जो सारी चीजें हैं खट्टी मानी जाती है। तो दो चीजें ऐसी हैं जो खट्टी होकर के लिए भी आपके लिए सेफ हैं, ज्यादा
खा सकते हैं, खट्टा रस के सारे फायदे उसमें मिलेंगे, लेकिन आंवला खट्टा रस के गुण रखते हुए और अनार भी खट्टा रस के गुण रखते हुए भी सेफ माने गए हैं, लेकिन ये बॉडी में ड्राइनेस है तो फिर आपको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अति प्रयोग से बचना चाहिए। तो ये खट्टी होकर के भी आपको नुकसान तो नहीं करती, कम मात्रा में लिया जाए तो, ज्यादा जैसी मात्रा बढ़ी तो ये दिक्कत कर सकती है। तो पित्त और कफ रिलेटेड है, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है और खट्टा खाना चाहते हैं तो आंवला या अनार ही दो ही ले सकते हैं, वो भी कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं लेंगे, क्योंकि आंवला ड्राइनेस के गुण पैदा करता है और स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन ऐसा कुछ चल रहा है तो वो ड्राई कर देगा, उनको सुखाने का काम करता है, तो वो आपके लिए रोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और बहुत ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, कम मात्रा में लिया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान बोलता है आंवला जो है विटामिन सी से भरपूर है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करेगा, तो इम्यूनिटी हमारी स्किन की भी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हमारे शरीर की भी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये हमने देखने का प्रयास किया कि खट्टे रस और खट्टे रस के बारे में देखा, लेकिन कौन सा सेफ है, अधिक मात्रा में क्या है और कम मात्रा में क्या है, उसके लाभ या नफा नुकसान जो हमने जानने का प्रयास किया। इस प्रकार हम इन चीजों का मूल्यांकन करके शरीर के ऊपर इनका उपयोग तय कर सकते हैं। तय आपको करना है कि किसको कौन सी चीज सूट करती है, किसको नहीं करती है, इसलिए ये चीजों को हमें समझना जरूरी है। खट्टा खाने से कुछ एसिडिटी की भी समस्याएं रहती हैं। तो जिनको अभी हमने देखा कि खट्टा रस गर्म है, तो जिनको सीने में जलन होती है, आंखों में तूफान, वो गाना भी सुना होगा, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, ये जो है खट्टा रस, क्या पता खा पी के उन्होंने गाना भी लिखा होगा, प्रयोग किया होगा तो शायद उनको ये महसूस हुआ होगा, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, तो राइटर महोदय को शायद कुछ ऐसा ही आवाज हुआ होगा, तो उन्होंने लिख भी दिया। तो सीने में जलन चाहे वो अल्सर में कन्वर्ट हो रहा है तब भी हमें समझना होगा उसके, तो उसके लिए कमाल की मेडिसिन हम देख सकते हैं और कौन सी एसिडिटी में क्या लेना चाहिए और नहीं, क्योंकि खट्टी की चर्चा कर रहे थे तो एसिड का दिमाग में बात आ गई, तो हम उसी भी चर्चा साथ में लगे हाथ कर लेते। तो एसिडिटी में यष्टि मधु यानी मधुयष्टि यानी मुलेठी, मुलेठी एक लकड़ी है, उसका प्रयोग एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। तो आयुर्वेद में एसिडिटी को अम्ल पित्त का रोग माना जाता है। अम्ल का मतलब खट्टा, पित्त के अंदर जाना, ज्यादा चला गया है रक्त में अम्ल पित्त यानी खट्टे की मात्रा शरीर में बढ़ गई ज्यादा, इसको अम्ल पित्त का रोग हम मान सकते हैं, यानी उसका अम्ल रस बढ़ गया है पित्त के अंदर, तो ये अम्ल पित्त कहलाता है। जैसे कि सिरका होता है तो सिरका दूध या दही में अपन जैसे सिरका डालते हैं वो कैसे अजीब सा फट जाता है, तो वही
पित्त का जो बाइल जूसेस होते हैं उसमें जब खट्टे का मिश्रण हो जाता है, हम खट्टा ज्यादा खा रहे होते हैं, और जब हमारा पित्त खाना पचाने के लिए वहां पहुंचता है तो उसके साथ जब खट्टे का सामंजस्य जरूरत से ज्यादा होता है तो वहां पर ये प्रॉब्लम खड़ी होना शुरू हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, दिन में सोने से भी हो सकता है या पाचन का ना होने के कारण भी हो सकता है। ये इस प्रकार से दूध वाली चीजें जो हैवी खा सकते हैं, खाने से जिनके कारण जब पित्त बिगड़ता है तब ये अम्ल पित्त या एसिडिटी की बीमारी होती है। तो एसिडिटी के कुछ प्रकार में आप नोट कर सकते हैं, साम पित्त और निराम पित्त। तो दो प्रकार की एसिडिटी को आयुर्वेद इंगित करता है, साम पित्त और निराम पित्त, दो तरह से एसिडिटी का वर्णन करता है। तो साम पित्त में क्या होता है, ऐसी समस्या होगी जिसमें सीने में जलन के साथ में मुंह में खट्टा पानी आएगा, तो ऐसा इसको साम पित्त की कंडीशन में बताया गया है। या दूध की कोई भी चीजों को हम यूज करने से फिर एसिड बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, या कुछ भी दूध से बनी हुई चीजों का हम प्रयोग करने से ये एसिडिटी बढ़ती है। या अब आप कहोगे एसिडिटी का मतलब ये तो गर्म है, अग्नि तत्व तो बढ़ गया है, लेकिन हम उसको विपरीत गुण वाली चीज देते हैं, जैसे कोई ठंडी चीज तासीर वाली देंगे तो उससे भी रोग बढ़ जाएगा, उससे रोग ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी जो साम पित्त दोष में ये सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। या शरीर में मान लो ये सब नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा आलस आएगा, सोते रहने का मन करेगा, कुछ काम का इच्छा नहीं करेगी, बिना काम किए कुछ भी थकान जैसे महसूस होने लगेगा, तो ये स्थिति बन जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं मुझे सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, बहुत थकान हो रही है उठते ही, तो ये भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों को एड़ी में दर्द होता है सुबह उठते ही, जैसे ही अपने पलंग से नीचे पैर रखते हैं और एड़ी के अंदर दर्द होता है, तो ये भी इसी के ही लक्षण है। तो साम पित्त है, यानी एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ गई है, तब ये परिस्थितियां बैठती हैं। शरीर में बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, गंध आती, बदबू आती है, जो भी इस टाइप के लक्षण, मल से दुर्गंध आना, इस टाइप के लक्षण ये साम पित्त के लक्षण है। इसको क्या बोलेंगे, साम पित्त के लक्षण। रिकॉर्डिंग तो हो नहीं रही है, आप लिख पा रहे हैं क्या, क्या पता। लिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग करनी है। लो जी, तो साम पित्त के लक्षणों को फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो हम चर्चा कर रहे थे पित्त एसिडिटी, यानी एसिडिटी आयुर्वेद के दृष्टिकोण में क्या है, कैसे होता है, तो उसको हम अम्ल पित्त के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो यानी शरीर में पित्त के साथ में अम्ल की वृद्धि हो जाएगी तो अम्ल पित्त कहलाएगा, ठीक है। जैसे दूध के ऊपर दही जो डाल देते हैं या कोई भी खट्टी चीज दूध में डाल देते हैं तो फट जाता है, तो ठीक प्रॉपर पाचन न होने के कारण शरीर में वही अवस्था भोजन की भी हो जाती है, वो पचता नहीं है, बल्कि वो इस तरह से दूध जैसे फट जाता है वैसे ही वो, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं कई बार उनको दूध पिलाया जाता है, वो दूध तुरंत उलट देते हैं तो वो सारा फटा फटा सा दूध दिखता है, बड़ा अजीब सा, और उसमें बदबू आती बड़ी भयंकर,
ये है सब साम पित्त। ऐसे लोग जो दिन में सोते हैं उनके साथ भी ये देखने को मिलेगा, या दूध वाली चीजें जो हैवी खाना खाते हैं उनके साथ में, या दूध से बनी हुई चीजें मिठाई विठाई खा लेते हैं तो भूसी भूसी डकारें आने लगती हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो किसी भी कारण से बिगड़े लेकिन पित्त बिगड़ता है जिसके कारण ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तब इसी एसिडिटी के कई टाइप बोले हैं, साम पित्त और निराम पित्त। तो दो तरह के मुख्य रूप से हम एसिडिटी के प्रकार देखते हैं। साम पित्त और निराम पित्त के हमने वो देखने का प्रयास किया। दादा निराम पित्त नहीं कहा। अभी बताते हैं वन बाई वन। पहले साम पित्त को देखते हैं, तो मुंह में खट्टा पानी आना है ना, एसिडिटी के साथ जलन, छाती में जलन और उसके साथ खट्टा पानी आना जो है ये साम पित्त के लक्षण देखे जाते हैं। दूध की चीज कोई भी बर्दाश्त नहीं होगी और ठंडी चीज कोई भी बर्दाश्त नहीं होगी। दूध या दूध से बनी हुई चीजें बर्दाश्त नहीं होती और ठंडी चीजें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं, खट्टी तो बिल्कुल नहीं क्योंकि खट्टा भी और ठंडी चीजों से तकलीफ पड़ेगी, बहुत ज्यादा आलस आएगा, बिना काम के थकान आएगा, बस पड़े रहो बिस्तर में ऐसा मन करता रहेगा, शरीर में क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, सुबह उठने का मन नहीं करता, बिस्तर पर डले रहो, बस ये बिना काम के थकावट होती है। सुबह उठते ही एड़ी में दर्द होता है जिनको, या जिन लोगों को शरीर में एड़ी में दर्द होता है और सुबह उठने के बाद में मल से दुर्गंध आती है, सुबह ही नहीं वो पसीने में ज्यादा दुर्गंध आती है, तो ये दुर्गंध वाली जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। तो ये साम पित्त में, इस साम पित्त के लक्षण है। तो ये ऐसी कंडीशन जब भी बढ़ेगी तो आप समझ के चलिए कि पित्त तो है, पित्त तो विकृत हुआ है, लेकिन उसके साथ में कफ भी खराब हुआ, कफ भी विकृत है, यानी पित्त के साथ में कफ का समावेश भी हो गया। तो ये प्रॉपरली पाचन न होने के कारण या पाचन शक्ति की कमी के कारण ये ऐसी स्थिति बनती है। तो इस स्थिति की, इस तरह का जब एसिडिटी होगा तो कुछ लोग मधुयष्टि चूर्ण का प्रयोग करते हैं, तो वो इस समय लाभकारी नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। तो मधुयष्टि चूर्ण जो है, जो दूसरे प्रकार का निराम पित्त होता है उसमें अच्छा काम करेगी, साम पित्त में काम नहीं करेगी, या उस तरह का लक्षण हो कि सीने में बहुत ज्यादा जलन है, जरूरत से ज्यादा, और दूध पीने से आराम मिलता है, और दूध पहले वाली में निराम साम पित्त में क्या था, दूध की या दूध से बनी चीजें या ठंडी चीजों से आराम नहीं मिलता, लेकिन निराम पित्त में क्या होता है, ठंडी चीजें खाने से आराम मिलता है, दूध पी लें तो भी आराम मिलता है। तो समझ जाइए ये निराम पित्त की श्रेणी में आएगा। पानी पी लेंगे तो आराम मिल जाएगा, मिर्च मसाले की कोई चीज खा ले तो ये जो है परेशानी थोड़ी बढ़ा देगा।
कुछ लोग बोलते हैं हम कुछ प्रिपरेशन किन्हीं के घर पे गए थे और हमने खा रहे थे खाना, और वो बीच में थोड़ा सा दालचीनी या गरम मसाले का कोई पार्ट आ गया, तो तब से ही बहुत जलन हो रही है, तकलीफ में हूँ। ऐसी स्थिति जब भी देखेंगे तो ये निराम पित्त की श्रेणी में आता है। गर्मी लग रही है तो भी निराम पित्त बोला आएगा। केवल अंदर जलन कर रही है, केवल जलन ही जलन का लक्षण देखने को मिलेगा। इसमें खट्टा वट्टा पानी ऐसा मुंह में नहीं आता, केवल जलन होती है और जरूरत से ज्यादा जलन होती है, तब ये निराम पित्त की श्रेणी में आएगा। तो ऐसी जब भी तकलीफ होगी उसमें ये यष्टि मधु जो चूर्ण है वो बहुत अच्छा काम करता है, बड़ा शानदार प्रयोग हो सकता है। मुलेठी को आप मुंह में रख के भी चूस सकते हैं, तो ये बड़ी लाभकारी स्थिति देखने को मिलेगी। या जिन लोगों को कीमोथेरेपी या एलोपैथी दवाइयां लेने के जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके अंदर जो होता है ये प्रॉब्लम, बढ़ रही है जलन, तब भी ये अच्छा काम करेंगे। तो कीमो या एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन लेने के कारण सीने में जलन हो रही है तो उसकी तासीर गर्म होती है उन मेडिसिन की, और यहाँ भारत में वो स्वीकार्य नहीं होती, जिसके कारण ये स्थिति बन जाती है। तो पित्त का गुण क्या है, उष्ण है और तीक्ष्ण है, ऐसा करके ये गुण शार्पनेस ज्यादा उसमें, जब तीक्ष्ण गुण पित्त का बढ़ जाएगा तो अल्सर बनने लगेंगे शरीर में, चाहे वो मुंह के छाले हो, ईसोफेगस का हो, पेट का हो, स्टमक का हो, ये छाले कब बनेंगे, जब ये निराम पित्त की अवस्था देखने को मिलेगी, उसमें जलन होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है और वो हमारे अंगों को क्षतिग्रस्त कर देता है, और कभी कभी तो ईसोफेगस में, स्टमक में छेद तक हो जाते हैं, अल्सर इतने भयानक हो जाते हैं। तो पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या मुंह के छाले हों जहाँ पर ड्राइनेस के साथ में ये स्थिति देखने को मिले और जलन बहुत ज़्यादा है, मुंह के छाले कुछ भी टच कर दो तो जलन होगी उसमें, तो समझ जाइए ये सब निराम पित्त के कारण है। या एक और चीज है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बोलते हैं, तो वो भी स्थिति में परेशानी बढ़ सकती है। तो जब भी शरीर में कोई घाव बन रहा है, ये घाव की स्थिति देखने को मिलती है और वहां पर चुभन का, जलन का जो गुण दिखता है, तीक्ष्ण गुण है ये पित्त का, वही रोल प्ले करता है, वो ड्रिल मशीन का काम करता है, वहां पर छेदन का काम कर सकता है। या जिनको मल मार्ग से या शरीर के किसी अंगों से एसिडिटी के कारण ब्लीडिंग शुरू हो गई है, ब्लड आने लगा है, तब ये निराम पित्त की श्रेणी में आ सकता है। चाहे जलन होकर के नाक से ब्लड आ रहा हो, जलन होकर के गले से ब्लड आ रहा, मुंह से ब्लड आ रहा हो, या पोटी में ब्लड आ रहा हो, तो ये सब के सब निराम पित्त की श्रेणी में चली जाएगी। तो शरीर में गर्मी का जलन का सा अनुभव होता है, पैरों में, तलवों में जलन हो रही है, हाथों में जलन हो रही है, पैरों के अन्य भागों में भी जलन हो रही है, हाथों में भी जलन हो रही है, शरीर में जलन का जो पार्ट दिखता है ये सब के सब निराम पित्त की श्रेणी में आता है। तो ये इन सब के लिए मधुयष्टि चूर्ण एक बहुत बढ़िया उपाय हो सकता है, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, या कोई भी अल्सर हो, तो उसमें मधुयष्टि चूर्ण आंख बंद करके देंगे तो ये लाभकारी स्थिति पैदा करेगी वहां। तो अब ये देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों काम करेगी वो, तो हम देखते हैं कि मधुयष्टि का जो है नेचर क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो
मधुर मधुर है, शीत है, मधुष्टि का गुण देखें तो गुरु स्निग्ध है। स्निग्ध का मतलब चिकनापन देती है, और गुरु यानी पचने में भारी है। और मधुर रस है यानी मीठा रस है, शीत है ठंडा, तो हमको मधुर रस और शीत यानी ठंडा प्रकृति की चीज लेने से आराम मिल रहा था, तो ये मुलेठी वही गुण वाली है, तो ये हमें आराम देगी, इसीलिए ये आराम देती है, बाकी इसका कोई रीजन नहीं है। तो पित्त के गुण जो जब भी ठीक करना होगा वो सब बैलेंस में रहने की बात करता आयुर्वेद। तो पित्त गर्म है, मधुवृष्टि ठंडा है, मधुर है, चिकना है, तो पित्त की गर्मी को शांत करेगी। और पित्त क्या है, नेचर में हल्का होता है, और मधुवृष्टि क्या है, गुरु यानी भारी है, तो उसके विपरीत गुण की जब चीज देंगे तो ये अच्छा हल्कापन जो है उसको थोड़ा कम कर देगी। इंटेस्टाइनल जो इंटरनल लेयर्स होती हैं उसमें लाभकारी स्थिति देगी। तो शरीर में जहां कहीं भी शरीर में लघु गुण बढ़ जाएगा, शरीर में स्निग्ध मतलब ड्राइनेस बढ़ जाएगा, तो वहां पर या शरीर में कहीं भी घाव होगा इस टाइप का, तो उसमें सब में मध्यस्थी एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। और सबसे अच्छा गुण यह है कि मध्यस्थी का हीलिंग प्रॉपरली करती है, हीलिंग का जो गुण है इसमें कुछ ज्यादा है, प्रॉपरली हीलिंग करती है। घाव को भरने के लिए सबसे ज्यादा पावर देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं। तो चाहे जलन हो गई, तीखा खाने से तकलीफ बढ़ रही हो, और मसाला खाने से बढ़ रही हो, तो ये सब जो है एक लाभकारी स्थिति में आपको ला सकता है। तो मधुष्टि का जो प्रयोग है, जहाँ पे ड्राइनेस हो गई और जहाँ पे खून से संबंधित कोई व्याधि हो गई, अल्सर वल्सर हो गया, तो ये सब में मधुष्टि चूर्ण फायदा करेगा ही। जिनको एसिडिटी होती है, जलन होती है, जलन होने के साथ साथ हेयर फॉल की भी तकलीफ हो रही है, जिनको बाल झड़ते रहते हैं, उनके लिए भी लाभकारी होगी। या जिनको कभी एसिडिटी हुई, गोली ली, फिर उसके बाद आंखों की कोई तकलीफें बढ़ गई है उसके साइड इफेक्ट के कारण, तो उसमें भी ये लाभ करेगी। या कभी कभी डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपकी आंखों में कोई तकलीफ है नहीं जांच करने के बाद में, और फिर भी आंखों में जलन हो रही है और शरीर में जलन हो रही है जगह जगह, तो फिर डॉक्टर की आवश्यकता वहां नहीं रह जाती, वहां इसको मधुवेष्टि की जरूरत रहती है। या गर्मी बढ़ रही है शरीर में, सिर में दर्द हो रहा है, गर्मी के कारण हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं सिर में, सिर के बाल झड़ रहे हैं, या स्किन में कोई रेशेज हो गए हैं जिसमें ड्राइनेस की कंडीशन आती है, तो उसमें या जलन वाली परिस्थिति में मुलेठी बढ़िया काम करती है। तो कब लेना है इसको, प्रयोग कब करना है, तो मधुष्टि चूर्ण का जो प्रयोग करना है घी के साथ में, 1/4 टीस्पून घी के साथ मैच करके खाना खाने के बाद आफ्टर मील, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों समय लेते रहना पड़ेगा, तो ये आपको रिलीफ देगा।
इसको ज्यादा नहीं ले सकते, केवल आधा चम्मच या चौथा चम्मच ही लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। कई लोगों को देखने को मिला है मुलेठी खाते ही उल्टी जैसा देखने को मिलता है कि उनको उल्टियां हो रही हैं, कुछ भी खाया फिर तो उल्टियों में निकल जा रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में घी के साथ में मुलेठी का प्रयोग करना चाहिए। और मात्रा कम कर दीजिए, और चौथा चम्मच मुलेठी चूर्ण हो गया, और लगभग 1 चम्मच गाय का घी, इन दोनों को पेस्ट बना के चाट सकते हैं, या गर्म पानी के साथ में लिया जा सकता है। या रात को सोते समय ले सकते हैं, और दिन में 2 बार 3 बार भी लिया तो कोई नुकसान नहीं है। अब कितने दिन का प्रयोग कर सकते हैं ये? मैक्सिमम टाइम तो 40 दिन, से ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 40 दिन के आसपास हम लिया जा सकता है इसको, तो इसका इफेक्ट भी 40 दिन के बाद ही दिखने लगता है। इस बीच में यदि आपको बहुत ज्यादा आलस आने लगता है, कफ बनने लगता है, तो फिर तुरंत प्रभाव से इसको बंद करना ही चाहिए। यानी इसने अपना जो काम कर दिया है वो काम इसका पूरा हो गया, अब नेक्स्ट बेस्ट बैट बैटमैन की बैटिंग की बारी आ जाती है, तो इसकी बैट ये बस ये आउट हो गया है, पवेलियन भेजना है इसको, ऐसा मान के चलिए। यदि बच्चों को ही देना है तो मान लो बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए, वैसे तो बच्चों को खेल कूद करके वो पचा लेते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको उनके शरीर में ज्यादा जलन हो रहा है तो उनको मुलेठी का पाउडर जीभ पर चढ़ा सकते हैं। चाहे जैसे कल ही रात को एक केस आया था, बहुत ज्यादा शरीर में जलन थी, छोटा बच्चा है, तो कोई भी ठंडा पानी या ठंडी चीज, तो आखिर में हम एक प्रयोग कर सकते थे, मुलेठी का चूर्ण उसके जीभ पर चटाना, ये उसको फायदा दे सकता है। तो अभी चर्चा चली है तो दिमाग में आ गई, कई बार चीजें आ जाती है, कई बार नहीं आती। तो ये मधुयष्टि का एसिडिटी में प्रयोग हमने जाना, एसिडिटी दोनों प्रकार की देखी हमने, निराम पित्त और साम पित्त, ये दोनों पित्तों के बारे में जानने का प्रयास किया। आशा है आपको बात समझ में आई होगी। तो साम आपका पित्त जी जो है डॉक्टर साहब, साम पित्त आपने बताया मधुयष्टि ज्यादा लाभकारी नहीं है, तो साम पित्त को कैसे ठीक करें? साम पित्त के लिए मुलेठी जो है उसमें, निराम पित्त में तो ये हो गई प्रयोग, साम पित्त में आपको आंवले का प्रयोग करना चाहिए, आंवला और शहद का, क्योंकि वहां एसिड बढ़ रहा है, उसको सुखाना है, तो सुखाने के लिए आपको आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, और वो शहद के साथ लेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। थोड़ा कम मात्रा में लेना है, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में लेंगे तो एसिड बढ़ाएगा, कम मात्रा में लेंगे तो वो फायदा करेगा। अब मुलेठी के साथ में क्या और ले सकते हैं? तो शतावरी चूर्ण भी उसको घी के साथ मिला के दिया जा सकता है, शतावरी चूर्ण और मुलेठी दोनों मिला के भी हम दे सकते हैं, निराम पित्त की बात है। और साम पित्त में कुछ ऐसी ही जो शुष्कता लाती हो औषधि, या खाली शहद का पानी भी उसको पिलाया जा सकता है, खाली शहद या खाली शहद चटाया जा सकता है, वो एक अच्छा लाभकारी परिणाम देगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में। औषधि है, औषधि की तरह लेंगे तो लाभकारी स्थिति प्राप्त
प्रदान कर सकता है। अब वहां क्या बड़ा है साम पित्त में, पित्त तो है ही और कफ भी है, तो कफ और पित्त को जो सुखा सके, ठीक कर सके, ऐसी वात प्रधान औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, वात प्रधान औषधियों की लिस्ट बना लो दिमाग में और उसके बाद में उसका प्रयोग शुरू कर दो। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, बदल के दे दो छोटा मोटा कुछ, इसलिए उसमें लाभकारी स्थिति रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उन लोगों को खाना नहीं खाना रोकना है, उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना है। खाना खाएंगे तो दिक्कत करेगी, उसमें खाली पेट वो रह करके कुछ ऐसी प्रयोग करेंगे तो चलेगा, लेकिन जहां जलन हो रही है वहां खाली पेट आप बिल्कुल नहीं रह सकते। निराम पित्त में आपको खाली पेट नहीं रख सकते, जबकि साम पित्त में आपको खाली पेट रखा जा सकता है, कुंजल कराया जा सकता है। निराम पित्त में भी कुंजल कराया जा सकता है, लेकिन खाली पेट कुछ भी थोड़ी भी देर उनको नहीं रख सकते, तुरंत कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लेकिन कुंजल करने के बाद साम पित्त में कम से कम एक घंटे तक उनको रिलैक्स करना चाहिए, उनको कुछ देना से बढ़ जाएगा मामला, घटेगा नहीं। कुछ लोग अपना दिमाग तो लगाते हैं लेकिन विज्ञान को नहीं समझते, आयुर्वेद को नहीं जानते, इसलिए कुंजल भी करा दिया, सब कुछ करा दिया, फिर भी नहीं जा रहा, प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था कुंजल से ये हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन जो जिनको एसिड बड़ा है उनको अग्निसार क्रिया या प्राणायाम से दूर रहना चाहिए, जिसमें स्टमक का बहुत ज्यादा प्रयोग होता हो, ऐसे प्राणायाम से बचना चाहिए। तो शीतली प्राणायाम उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वो आप जो है अग्निसार क्रिया से रिलेटेड या कोई अन्य प्राणायाम उनके लिए श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये आयुर्वेद को न जानने वाले ऐसी गलतियां करते हैं। तो ये था विषय आज का, अम्ल पित्त और खट्टे रस, और हमने कॉमन कंबाइन करके एक प्रयास किया, जानने का प्रयास किया बारीकी से, रोग पर आधारित परिचर्चा को एक आयाम के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। इसी के साथ जी प्रणाम, सभी को नमन, आभार।